हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, यहाँ पे जो आपको नोट दिख रहा है, इस नोट में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है लगभग सबको कवर कर लिया है। ठीक है, तो आप इस नोट को अच्छे से पढ़ लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और प्लीज एक बार जब इसे आप अच्छे से रिवाइज कर दोगे तो इस चैप्टर से किसी भी प्रॉब्लम को आप लगा सकते हो फिर। ठीक है, फिर भी किसी तरह का अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे इस नंबर पे शेयर भी कर सकते हैं वो डाउट, 8750125323 पे। ठीक है, दूसरा नंबर है 7838064046, बट इस पे हमारा व्हाट्सएप नहीं है, इस पे हमारी बात हो सकती है। ओके, चलो तो स्टार्टिंग में हमें केमिकल रिएक्शन, अब डेफिनेशन मैं पढ़ूंगा नहीं, एक चीज बस बता दूं मैं आपको, यहाँ पे सब्सटेंस और सब्सटेंसेस हमने कंसिडर किया हुआ है। देखो, जरूरी है केमिकल रिएक्शन के लिए आपको एक से ज्यादा ही सब्सटेंस दिए गए हों, एक सिंगल सब्सटेंस भी दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकता है। इसके लिए एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ नहीं है, ठीक है, बट आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मिलेगा, हम वहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे की चीजें आपको पता है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस यहां से बाहर निकल रहा है, H2O2 आपस में रिएक्ट करके H2 बना रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो पहला है आपका चेंज इन स्टेट, बट आप केवल चेंज इन स्टेट के बेसिस पे किसी भी रिएक्शन को केमिकल, किसी भी चेंज को आप केमिकल रिएक्शन तो नहीं बोल सकते, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल में भी होता है ये चीज़, तो फिजिकल में भी होते हैं, स्टेट चेंज होते हैं, जैसे कि वाटर का आइस में कन्वर्ट होना। तो केवल चेंज इन स्टेट के बेसिस पे आप केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही बेसिक सा आइडेंटिफिकेशन का सॉरी बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन ही है। ठीक है, जो मेन चीज है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर और चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, फर्स्ट और फिफ्थ अगर मैं कहूंगा तो इसको मैं ज्यादा उतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, ऑब्जर्वेशन के लिए ये तीन चीज ज्यादा मायने रखते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना, पीपीटी भी आपका होता है हर रिएक्शन में तो बनता नहीं है, है ना, किसी किसी रिएक्शन में आपका पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रहे पीपीटी जो होता है ये सोल्यूबल नहीं होता सॉल्यूशन के अंदर, ये इनसोल्यूबल होता है और ये सॉल्यूशन में बेस में नीचे जाके ये बैठ जाता है। ठीक है, वर्ड इक्वेशन ये पूरी थ्योरी है, इसको आप खुद से रीड कर लेना, इसमें ज्यादा दिमाग मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आते हैं नोट पॉइंट में, तो यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते रहे हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज नेसेसरी बिकॉज नो मैटर इज लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि बताओ हम केमिकल रिएक्शन को आखिर बैलेंस क्यों करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो ध्यान रखना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास इंक्रीज होता है ना तो मास डिक्रीज होता है, ऐसे बोल ले ज्यादा बेटर होगा, ना तो एटम डिक्रीज होंगे ना तो एटम लॉस होते हैं, ठीक है ना, और ना तो वहां पे गेन किए जाते हैं एटम, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट रहेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इसलिए हमें अगर हम बैलेंस कर देते तो ये कंफर्म हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम है, यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम है। कुछ साइन हम यूज करते हैं, जैसे सॉलिड के लिए S आप लिख देते हो, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, एक्वस मतलब कोई सॉल्यूशन है उसमें वाटर डिसॉल्व है तो उसे आप एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आप इस तरह का साइन यूज करते हो, रिवर्सिबल अगर मैंने लिखा A, इसका मतलब ये है A से B और B से A, ये रिएक्शन इस तरह से होता है, A से B बनेगा B से A बनेगा, तो इसको आप रिवर्सिबल बोलोगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन, अभी तक जो भी रिएक्शन अभी आप देखते आए हो वो सारे के सारे आपके रिवर्सिबल ही थे, जिसको आप एरो से दिखा देते हैं, है ना, इधर आपका प्रोडक्ट होता था इधर आपका रिएक्टेंट, तो इस केस में P से R बनेगा लेकिन R से P नहीं बनेगा। पीपीटी, पीपीटी को आप इस तरीके से डिनोट करते हो या फिर आप इस तरीके से हीट ट्रायंगल बना लेते हो सिंपली। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर इस चैप्टर में कुछ ना भी पढ़ो ना केवल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कर लेते हो तो बहुत हद तक मतलब 80% आपने चैप्टर को कवर कर लिया है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही बड़ा क्लियर है कि इसमें कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो जब दो या दो से ज्यादा
कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर के प्रोडक्ट बना रहे हो, है ना, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसको आप क्या बोल रहे हो, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि आपको ऐसे दे दिया जाएगा ए प्लस बी कंबाइन होकर के ए बी, और पूछा जाएगा किस तरह का रिएक्शन है, तो फाइनली आप इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलोगे। ओके, ये सारे एग्जाम्पल हमने मेंशन कर रखे हैं, प्लीज आप इसे अच्छे से समझ लेंगे। नोट में बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड को ध्यान रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक लाइम बोलते हैं। अब नाम को लेकर के कंफ्यूजन ना हो प्लीज, ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहां पे आपको सारे कंपाउंड के नेम और उनके कलर, ठीक है, और उनके केमिकल फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस वीडियो को अगर आप वॉच कर ले तो आपके इस चैप्टर में नहीं, पूरी केमिस्ट्री के अंदर जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उन सबको आप कवर कर लोगे, साथ में उसके कलर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद CO2 इन एयर, अ थिन लेयर फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच गिव्स अ शाइनी अपीयरेंस टू द वॉल। आपने देखा होगा कि जब हम सफेदी करते हैं वॉल पे, ठीक है, तो जब हम सफेदी कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम लगता ही नहीं कि कलर इस पे चढ़ा हुआ है, सफेदी चढ़ी भी है, ठीक है, बट जैसे वो सूखता है, जैसे ही ड्राई होता है, तो अचानक से उसमें चमक आती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर H2O है, वाटर है, तो जब उसको हीट मिलता है तो H2O यहां से वेफर के फॉर्म में बाहर हो जाता है, ठीक है जी, और कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट करके, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है, और कैल्शियम कार्बोनेट होता ही साइनी। ठीक है, नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें कंबाइन हो रहे हैं, इसमें टूट रहे हैं, एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होगा। ठीक है, अब ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और किसी रिएक्शन में जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो वैसे रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप देखोगे, इस रिएक्शन को देखो आप, यहां क्लियरली हीट बाहर निकल रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को आप बोलते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकले, हीट प्रोड्यूस हो, उसे आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी नाम दोगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यह ध्यान रखना। और वैसे जितने भी कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं वहां से थोड़े बहुत हीट जरूर रिलीज होगी, लेकिन यहां पे ये वाले हीट को हम फील कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पे हमने क्लियरली मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ, मैंने बताया यहां पे कि डिकम्पोज करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। अब किस किस तरह की एनर्जी, जैसे आपका थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फोटोलिसिस सनलाइट की एनर्जी। ठीक है, अब देखो, थर्मल में आप हीट सप्लाई करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आप हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज होती है। आयरन सल्फेट को जब आप हीट करोगे तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहां पे ध्यान रखना, इनके यूजेज भी पूछे जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के। ठीक है, तो NCERT एग्जाम्पलर का मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से इसका सॉल्यूशन जरूर देख लेना, मतलब NCERT एग्जाम्पलर को जरूर कर लो आप। ठीक है, देखो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है अगर आपने नोट्स पढ़ी लिया, ठीक है, NCERT कर ही लिए और NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगा लो, कंप्लीट हो जाता है। फिर किसी तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आप डील कर लोगे। ठीक है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ओके, और ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अभी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये ब्राउन फ्यूम्स होता है, इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, फाइनली हम पढ़ के आ रहे हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो अब H2O में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, और ध्यान रहे आप प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा सकते, है ना, ऐसा करने के लिए वहां पे हमें कुछ एसिड का अमाउंट डालना पड़ेगा जिससे वो करंट उससे पास हो पाए और वो डिकम्पोज हो पाए। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन
ये कहां पे एक्यूमुलेट होंगे, सोचो। तो आपको ध्यान रखना है कि डिकम्पोजिशन से ऑक्सीजन जो होता है वो आपका एनोड पे और H2 जो होता है वो आपका कैथोड पे एक्यूमुलेट होगा। ये आपको ध्यान रखना है, कैथोड बोले तो पॉजिटिव चार्ज और एनोड बोले तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये ध्यान रखोगे बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हो कि कैथोड पे ये दो मोल जा रहा है, 2H2 है ना और एक O2 का मॉलिक्यूल है, तो दो मोल आपका एक्यूमुलेट होगा कैथोड पे और 1 मोल एक्यूमुलेट होगा एनोड पे। ओके, फोटोलिसिस जिसमें सनलाइट इवॉल्व होता है इस रिएक्शन में, जैसे AgCl को आप सनलाइट में रखोगे तो वहां से सोडियम और Cl2, ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखते हो तो सिल्वर अलग ब्रोमीन अलग हो जाता है। कलर साथ साथ में लिख रखा है, लेकिन जिसका कलर यहां मेंशन नहीं किया है मैं वीडियो डाल दूंगा, उसको आप वॉच कर लेना। नोट में जो भी चीजें लिखूं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहां पे आप हीट सप्लाई करते हो बाहर से। सेकंड है यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, है ना, तो यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक यूज भी आपने देख लिया। थर्ड है द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर हैलाइड आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये भी यूजेज कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम, अब ये डेफिनेशन आप खुद से पढ़ोगे, उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं रिएक्टिविटी ऑर्डर। देखो K4 पोटाशियम, Na सोडियम, Ba बेरियम, Ca कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन, है ना, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हो या अपने हिसाब से जो भी आपको इजी लगता है उस ट्रिक को आप याद रख सकते हो। जैसे कि मैंने बताया बनाया इसको, क्यों ना बाप कार मांगे ऑल्टो जेन फरारी, निकेश सिंह, ये निकेश सिंह मेरा नाम, निकेश सिंह प्रभात है क्यूरियस, हाँ जी आज तो, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, आप बात करते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। बाबू बिना रिएक्टिविटी ऑर्डर याद किए आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को नहीं समझ सकते। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो आपको आइडिया मिल जाता है, लेकिन सिंगल डिस्प्लेसमेंट के केस में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, तो केयरफुल रहें आप। इन द रिएक्शन एन एलिमेंट रिएक्ट विद अ कंपाउंड एंड टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन दैट कंपाउंड, देख सकते हो यहाँ पे कॉपर सल्फेट और जिंक है, यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब जिंक रॉड को डिप किया जाएगा तो वैसे केस में कॉपर सल्फेट डिस्प्लेस हो जाएगा अपने ही सॉल्यूशन से और वहां पे आ जाएगा जिंक, ठीक है। और पहले कॉपर सल्फेट का कलर यानी सॉल्यूशन का कलर ब्लू था, बट अब सॉल्यूशन का कलर कलरलेस हो जाएगा। आयरन को कॉपर सल्फेट में, जब हम आयरन की रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो उस केस में आयरन सल्फेट बनता है, कॉपर सेपरेट हो जाएगा और कलर आपका देख लो ब्लू टू ग्रीन चेंज हो गया सॉल्यूशन का। KBr पोटेशियम ब्रोमाइड का क्लोरीन के साथ रिएक्शन, आप रिएक्शन देख लो, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत कम होता है आपको, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए यह रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर याद नहीं होगा तो आप अगर रट्टा मार चुके हो ना तो कंफ्यूज हो जाओगे फिर, ठीक है। जैसे कि जरूरी नहीं है कि ए और ये बी SO4 हो, तो हर केस में ये ए जो है बी को डिस्प्लेस करेगा, ये डिसाइड होता है इस रिएक्टिविटी ऑर्डर से, ये जो भी चीजें इस रिएक्टिविटी ऑर्डर से डिसाइड होता है। आप देखो कि यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, तो जिंक आपका ये रहा, ठीक है, कॉपर आपका ये रहा, तो जिंक की रिएक्टिविटी जो है कॉपर की रिएक्टिविटी से ज्यादा है। लेकिन अगर मान लो मैं जिंक की जगह पे अगर मैं सिल्वर ले लेता, क्या ये रिएक्शन होता, नहीं होता, तो मुझे लिखना पड़ता नो रिएक्शन, इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंपली आयन का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेंगे। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट दो तरह का हो जाता है, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सोडियम सल्फेट का रिएक्शन जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट जो व्हाइट PPT होता है और सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट बाहर हो जाते हैं।
सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड और H2। अब ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का है। क्यों? क्योंकि NaOH एक बेस है और HCl एक एसिड है। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भी खैर इस चीज को। HClO3 NaBr, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो AgBr का व्हाइट पीपीटी सॉरी येलो पीपीटी बनता है और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन। नाम से बड़ा क्लियर है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसी में डेफिनेशन छिपा हुआ है। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आपको पढ़ना नहीं है, बट ये भी देख लेंगे एग्जाम्पल यहाँ पे। जिसे आप देख सकते हो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना दिया। भाऊ इस पे भी कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है और इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ, खैर इसका भी मैं सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये ब्लैक ऑक्साइड होता है जी, ठीक है, ब्लैक ऑक्साइड होता है। कॉपर आपका ब्राउन कलर का होता है ना, बट कलर आपका ब्लैक चेंज हो गया। अब कॉपर ऑक्साइड को हीट करो आप, ठीक है, और यहां पे H2 गैस को पास करो इसके सरफेस पे, तो ये कॉपर ऑक्साइड से है ना कॉपर को सेपरेट कर दिया, यानी H2O ले लेता है, वाटर बन गया और आपका कॉपर सेपरेट हो गया। तो देखो फिर अपने ही ओरिजिनल कलर में आ गया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, और कॉपर ऑक्साइड अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो फिर ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन। अच्छा पहला जो एग्जाम्पल था मेरा एडिंग ऑफ ऑक्सीजन पे था, देख रहे हो ऑक्सीजन ऐड हुआ, ठीक है, और ये एग्जाम्पल सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो यहाँ पे सेकेंड केस में हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, H2S के पास हाइड्रोजन था लेकिन यहाँ पे देखो रिमूव हो गया और H2O और सल्फर सेपरेट हो गए। यहाँ पे देखो जिंक, अब ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिंक जो है दो इलेक्ट्रॉन अपना लॉस किया है ना, और देखो जिंक पे अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, इस पे जीरो था लेकिन प्लस टू हो गया। तो अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो ऐसे केस में भी ऑक्सीडेशन होता है, यानी जो लॉस करे इलेक्ट्रॉन का वो ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का बिल्कुल अपोजिट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिंग ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ, हीट आप सप्लाई कर रहे हैं, और ये एक एग्जाम्पल है किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी। सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्राइड बना देता है। जिंक है ना, देखो जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो फिर ये जिंक में कन्वर्ट हो गया है ना, जिंक आयन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो दो प्लस का था ये दो माइनस का, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। सेकंड केस में आप देख सकते हो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। तो ये तीनों अलग अलग एग्जांपल लिए हैं मैंने, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के लिए, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन के लिए और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर ये दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी भी रिएक्शन में एक साथ होते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आपके सामने एग्जाम्पल है मैंगनीज डाइऑक्साइड और HCl आपस में रिएक्ट करके मैंगनीज डाइक्लोराइड है ना। देखो ये आपका क्या है, बेस है, ठीक है, मेटल के ऑक्साइड बेस होते हैं ना, और HCl आपका एसिड है, तो ये बना दिया सॉल्ट और वाटर, और यहाँ पे Cl2 गैस रिलीज हो गई। ओके तो आप देख सकते हो Cl2 से क्या हटाया आपने, हाइड्रोजन, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन, और मैग्नीज डाइऑक्साइड से आपने ऑक्सीजन को हटाया तो इसका हुआ रिडक्शन, ठीक है। और ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ओके अब इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, अब ये चीजें आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, और इसके बाद किसी तरह का डाउट अगर आपको आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में या मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।